हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो यार आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के पहले दिन का फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर एग्जाम हो चुका है। 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर फुल पेपर एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर ना तो ईजी लेवल का पेपर आया था, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का यहाँ पर पेपर आया था। जिस हिसाब से मैंने जहाँ पर बच्चों से बात की, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला है। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर जो जीके से लेके करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल इनका वेटेज जो होता है वो 20 क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती पर अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन अगर जीके की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तो सबको पता होगा। इसके साथ ही यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, पेरियार नदी केरल से निकलती है। इसके साथ ही यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया था। तो बिल्कुल प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, तो आपको पता होगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर योजना आयोग का अध्यक्ष ऑब्वियस सी बात है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे वही रहे होंगे। तो इस समय नेहरू जी थे, और वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 का करंट अफेयर पूछा गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसने जीता था, अंशु बने के लिए जीता था, आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ यहाँ पर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, जीन लिखा हुआ है, जीन का अर्थ जैन धर्म में होता है विजेता। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके साथ ही सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको पता है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो यहाँ पर सीएसओ के द्वारा इसके गठन किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेवन नंबर का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा गलत है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 358 का संबंध किससे है, स्वास्थ्य आपातकाल से दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आर्टिकल 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से, आर्टिकल 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से, आर्टिकल 356 का संबंध राष्ट्रीय संपत्ति शासन से। तो अगर आपने यहाँ पर आर्टिकल पढ़ा है, पॉलिटिक्स पढ़ा है, बिल्कुल आपको पता होगा 358 किसी भी आपातकाल के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका आंसर ये था। इसके साथ ही एट नंबर का क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर केरल था ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश था, गुजरात था, राजस्थान था। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय वन की बात की है, तो बिल्कुल ये केरल में पाया जाता है, इसका सही आंसर है केरल। इसके साथ ही यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन था, त्यौहार फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यहाँ पर देख सकते हैं चौकलाव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए आंसर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के कमेंट थे उसके द्वारा मुझे एक ही ऑप्शन देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश। तो यार इसका सही आंसर क्या है आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका अरुणाचल प्रदेश, यूपी भी ऑप्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन था, मांग बढ़ती है तो उसका वक्र कैसा होता है। तो यहाँ पर वक्र दिया गया था ऑप्शन में, और वक्र बताना है कि मांग बढ़ने पर यहाँ पर वक्र कैसा होता है। तो इकोनॉमिक का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल गया, तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग सभी पोर्शन को यहाँ पर कवर किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं है ये बोला गया था, ऊपर देखें नहीं लिखा है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन था 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर, दूसरा था उष्णकटिबंधीय रेखा एक दूसरे को समानांतर होती है, तीसरा था एक दूसरे को नहीं काटती, बस इतना ही ऑप्शन मिला था। तो इसका सही आंसर है 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर। अगर ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर होता तो ये आंसर सही हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही वाला जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब सही नहीं है पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन है। इसके साथ ही यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन था, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर क्या किया गया है, आंदोलन की बात पूछी गई है कि कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन में दिया गया था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं ये दांडी मार्च भी लगा कर आए हैं, सविनय अवज्ञा भी लगा कर आए हैं। तो यार इसका सही आंसर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप सो यहाँ पर आंदोलन की बात की गई है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए। हालांकि इस टाइम पे दांडी मार्च भी शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा के अंतर्गत, तो
यहाँ पर यार इसका सही आंसर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 14 नंबर का क्वेश्चन था, अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे, ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए उससे पहले कौन थे, कृष्णमूर्ति थे इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार। 15 नंबर का क्वेश्चन था, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या रखा गया, मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है उसको बदलकर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद रत्न नाम रखा गया ना, वो कब रखा गया इसके बारे में पूछा गया, तो बिल्कुल अभी अभी इसका नाम बदला गया है, 2021 में इसका नया नाम रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन था, नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं, तो इसका नया लोकपाल कौन बनाया गया दोस्तों, प्रदीप कुमार जू मोहंती, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नया लोकपाल के बारे में पूछा गया है, मतलब करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नंद नागेश्वर राव ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यार यहाँ पर करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज था, बिल्कुल भी यहाँ पर वेटेज कम नहीं किया गया था। आपको पता होना चाहिए जीके और करंट अफेयर मिला के यहाँ पर 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए, यार बच गए जो 4 क्वेश्चन ये अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है बिल्कुल। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन और पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि इस टाइप के और क्वेश्चन पूछे गए थे। सो दोस्तों फाइनली यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती पल पल के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।